नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। आज की कुछ बात कहे उसके पहले हम सभी दर्शकों को मैरी क्रिसमस कहना चाहेंगे। आज 23 दिसंबर, दो दिन बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार है। बड़े ही हर्षोल्लास से त्यौहार देश दुनिया में मनाया जाता है। इस समय हम खड़े हैं वसई के नौपाड़ा में, यहाँ पर भी क्रिसमस कार्निवाल निकाला जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है धर्मगुरु फादर, इन फादर से चर्चा करते और जो आज समाज में चल रहा है इस पर क्या फादर की विचार है वो जानते हैं। फादर, सबसे पहले क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे? आप एक धर्मगुरु है और धर्मगुरु का संदेश कहीं ना कहीं लोगों की अंतरात्मा तक पहुँचता है और उसको लोग मानते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस क्रिसमस पर? क्या इस क्रिसमस पर मैं संदेश देना चाहूंगा कि शांति का, जो हमारे परमाचार्य है पोप फ्रांसिस, उनका संदेश है कि शांति का, वही शांति का संदेश हम फैलाना चाहते हैं, क्योंकि यीशु ख्रिस्त प्रेम के द्वारे सब कुछ जीतना चाहते थे और यह प्रेम हम फैलाना चाहते हैं। भारत भर में 45,000 संस्थाएं, कैथोलिक संस्थाएं फैली है और वो ज्ञानदान, आरोग्य दान और समाज का उत्थान करने के लिए सब कुछ प्रयास कर रहे हैं और यही हम शांति से कर रहे हैं और प्रेम से कर रहे हैं, यही मैं संदेश देना चाहूंगा। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में मौजूद है, उनसे मुलाकात करते हैं, पूरा जानते हैं कि क्या है। मैडम, आपका नाम? वैलेरिना डिमेलो। क्रिसमस कार्निवल नौपाड़ा में आज भी जो चालू है, ये कौन किसी संस्था के बैनर तले निकाला जा रहा है या आपके समाज के बैनर तले क्या? ये हमारे जो संस्था है रसिक रंजन नाट्य मंडल, तो ये 1980 से शुरू हुई थी, उसके बाद 2004 में हमने वापस इसका जो काम था वो चालू किया। तब से हम लोग ये हर साल ये रैली निकालते हैं क्रिसमस के टाइम पे। 19 साल अभी हो गए इसको। हम देख रहे हैं अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग एनिमल्स के ऊपर लोग दिखाई दे रहे हैं, वो क्या कोई विशेष संदेश दे रहे हैं कि? हाँ। तो हर साल जब भी ये रैली हम लोग निकालते हैं तो अलग अलग संदेश देने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये साल हम लोगों ने 3 सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं। एक है हमारा वसई की जो पूरी संस्कृति है, कल्चर है, वो दिखाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो आप देखोगे तो उसमें अलग अलग वसई के रिलेटेड जो जो वहाँ के वेशभूषा है वगैरह है वो दिखाए गए हैं। दूसरा है कि हमारे जो पोप है, पोप फ्रांसिस, उन्होंने एक संदेश दिया है कि अभी जो दुनिया में लड़ाइयाँ हो रही है, तो वो बोल रहे हैं कि सबको लड़ाई से मत जीतो, तो अपने प्यार से लोगों को जीतो। राष्ट्र जो लड़ाई कर रहे हैं उनमें लड़ाई के जगह प्यार बढ़ा के प्यार से एक दूसरे को जीतो। और तीसरा हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे नोहा ने जब भी प्रलय आया था तभी पूरी दुनिया को जैसे बचाया था, हर एक प्रकार के पक्षी पशु उनको बचाया था, उसी हिसाब से अगर नोहा ने वो टाइम पे जब भी किया था सबको बचाने का काम, तो अभी हम सब मिलके अपने सृष्टि को क्यों नहीं बचा सकते। तो ये 3 संदेश ये साल हम लोगों ने रखे हैं। कितने लोग इसमें शामिल है और आपकी संस्था के अलावा किन किन लोगों का सहयोग आपको मिला है? तो इसमें सिर्फ हमारे संस्था के लोग नहीं रहते, तो हमारे गांव में छोटों से लेकर बड़ों सबको, जिनको भी यहाँ पे आना होता है, जिनको सहभाग लेना होता है, हम सबको चांस देते हैं। करीब करीब 150 से 200 लोग ये पूरे रैली में हमारे, कभी कभी उससे ज़्यादा भी ये रैली में हमारे रहते हैं लोग। आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रही जिंगल बेल, जिंगल बेल की जो म्यूजिक है वो सुनाई दे रही है। कहीं ना कहीं क्रिसमस का जो त्यौहार है लोगों में खुशियां बांटने का त्यौहार है। फिर से एक बार हम अपने दर्शकों को मैरी क्रिसमस कहते हैं और जिस तरह से अच्छे संदेश यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग वेशभूषा यहाँ पहने हुए, तो कहीं ना कहीं बेहतरीन यहाँ संदेश दिए जा रहे हैं। इन्होंने जैसे अभी मैडम ने बताया 3 चीज़ों पर फोकस है, एक चीज़ है वसई की संस्कृति, दूसरा है पॉप के मैसेज और तीसरा मैं सृष्टि जब पूरी ख़त्म हो रही थी नोहा ने बचाया था, तो उसके ऊपर ये पूरा इनका थीम है। काफ़ी बेहतरीन इस तरह से एक कहने को एक धार्मिक त्यौहार है, लेकिन उस त्यौहार से कई बड़ा बढ़कर कई तरफ से ये बहुत बड़ा सामाजिक एक संदेश जा रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
एफ न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।